हम तो कॉम्पिटेटिव मोड आ गए, एक बार देखते तो गाड़ी क्या बोलता है ओ भाई भाई तो अकेला ही आ गया, घुस गया साला भानु, अकेला मार इसको, मार मार को, एक और आया भाई पीछे के लेके चलो साथ। कॉल नहीं था हाँ यार साथ ही दे दिया ये क्या है तो भैया आपने तरह तरह के हैकर देखे होंगे, मतलब यार आजकल हैकरों में बहुत सारी वैरायटी आ रही है, स्पीड हैकर, एयर हैकर, एयर हैकर क्या होता है, हाँ चलो जो उछलता रहता है हवा में से, जिसमें मैं तुम्हें दिखाया था जो हवा में रह गई सारी उसमें लॉबी खाली कर दी थी, उस तरह का हैकर, और अब आ रहे हैं भैया सर्वर डाउन करने वाले हैकर, मतलब एग्जैक्ट मेरे सर्वर उसी टाइम पर डाउन हो जाते हैं जब वो बंदे हम पे रश करते हैं, और भाई सही में यार वहाँ पे क्या ही भूत बन गया हमारा कसम से। पहले तो कहीं एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ, वो सही में हैकर था या फिर मतलब ऐसा होता ही मेरे सारा जब बंदे आते रश करने के लिए तभी सर्वर डाउन होते हैं, खैर इन सभी सवालों का जवाब आपको जो है एंड में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पे ये वाला गेम देखो जिसमें कि भैया धुआंधार तबाही है और हमने कौन कौन लॉबी के बंदों को जो घुस घुस के मारा है कसम से, तो देखिए मजा आने वाला है। यहाँ देखो हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे होते हैं और तभी भैया ये यानी मेरे को गाड़ी और भाई साहब एक बंदा तो डाउन, लेकिन ये अकेला तो यहाँ पे गारंटी नहीं आया था, एक बंदा और पक्का था उस गाड़ी में। भाई साहब ये बंदे अपने टीममेट को रिकॉल करने आए थे और सेवन ने कर भी दिया था, लेकिन भैया इस बंदे की किस्मत बहुत ही टट्टी, फिलहाल एक बंदा और है सामने भी। और यार ये भी खत्म, अब इनका लास्ट बंदा तो वी डोंट नो, बट तुम यहाँ देखो जैसी लूट वूट करके हम गाड़ी लेकर निकलते हैं यहाँ से, भाई इतने में इजी किल तेरे लिए, ओपी ओपी ओपी। अबे ओपी ओपी तो ठीक है, लेकिन कभी अगले बंदे की बात सुन भी लिया करो यार, मैंने साफ साफ बोला रुक जा रुक जा, मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ ग्रेनेड कर रहा हूँ, लेकिन भैया पता नहीं कितना जोश है इन बंदों में। अबे ऐसे नहीं होता, कौन कर होल्ड करना पड़ता है, ग्रेनेडबाजी करनी पड़ती है। खैर छुप गया वो तो, शुक्र है नंबर चार का जो सही टाइम पे आ गया राइट साइड से, और भाई साहब यहाँ पे हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया और स्क्वाड को हमने पेल दिया। बट यार अब तुम देखो भैया अब स्क्वाड को पेलने के बाद बारी है सेंटर होल्ड करने की, तो हम चले यार सीधे सीधे पोचिंग की वाले स्क्वाड की तरफ, और अभी देखो भैया हम तो मस्त आके लेट गए, लेकिन भैया यहाँ हमारा नंबर टू है ना वो हल्का सा पीछे रह गया है, तो वो हारा होता है भैया हमारी तरफ भी। और भाई साहब तभी देखो भैया यहाँ पे इसे क्या सरप्राइज अटैक मिलने वाला है बंदे, वाह नहीं होगा, अरे यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हमने फुल ट्राई करा फुल जोश में रश करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, उसे फिनिश कर दिया गया है। बट सही में यार हमें सीरियसली नहीं पता था कि यहाँ पे कोई बंदा है यार, ये बंदे पक्का पैदल पैदल आए थे। मैं खुदा कोई नहीं है, मैं फुल मजे में आ रहा था, बट कोई नहीं आ रहा, बारी है बदला लेने की, शील्ड लगा के बैठ गया। अब यार इस वाले बंदे को तो कंफर्म कर दिया, लेकिन तुम देखो यहाँ पे भाई सब चर्च की तरफ भी बंदे आ चुके हैं, और आई थिंक इस वाले बंदे ने जो है ये बाहर वाले बंदे को भर दिया है। हमें नहीं भरा, नहीं 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 मरा, यार
मैं क्या बताऊं, मतलब ये बंदा कितना डेस्परेट था एक किल के लिए। भैया पूरा ही कंफर्म कर दिया सही में भाई, वो तो शुक्र है मेरी एक लाइफ भी बाकी है, बट कसम से यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ, मुझे लगा बंदा मर गया है, तो मैं मस्त बूझ के लगा बट क्या बोलू। खैर जो भी, अभी मैं रिकॉल तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम इतने में देखो जो बंदे चर्च में थे ना, इतने में आ गए बम पे रश करने के लिए। भाई ये बंदे क्या ही फैले फैले पड़े हैं, मतलब खतरनाक रोटेशन लेके आए हैं। देखो वैसा है ऊपर में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है भैया, मैं तो जा रहा हूं अंदर। पर अब तो काय बचेंगे नंबर चार, क्या मेरी भी बची है। पीछे से बंदा आ गया भाई साहब, ये वाले बंदे को तो कंफर्म कर दिया, लेकिन जो वो पीछे था ना भैया, वो देखो रोटेशन लेके वापस आ गए इस घर में। भाई कितना फास्ट है ये बंदा। कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मतलब यार रोटेशन भी तुरंत ही लिया और लॉबी भी तुरंत ही गया। सही फिलहाल से गाइस ये वाले बंदे को भर के यहां तुम देखो अब। अरे बंदे पीछे फिर से आ गई एक स्क्वाड सामने की तरफ। अब फिलहाल देखो यहाँ पे मुझे किल विल नहीं चाहिए, अब चाहिए चिकन। तो भाई ऐसा है अब अंदर कहीं नहीं होने वाला, बिकॉज तुम यहाँ देखो बंदे हर जगह फैले पड़े हैं। जोन से गया एक बंदा, वहां पे वॉच आउट वॉच आउट, उसके पीछे। भाई साहब ये वाले बंदे को भी भर दिया और उसके बाद गए। देखो ऐसा है अब जाते रहे, अब बैठ जाते, बिकॉज अब हमें भी हल्का जोन के अंदर जाना है, तो चलो भैया हल्का सा चलते होंगे। फिलहाल देखो जोन पूरा ही ओपन है, तो ज्यादा अंदर जाने का मतलब है नहीं, कॉर्नर कॉर्नर पे रहो, बिकॉज नहीं मालूम कौन सा बंदा कहाँ लेटा होगा। भाई साहब बंदे सारे सारे नीचे की तरफ ही है और जोन भी वही एग्जैक्टली कट गई, मतलब किस्मत क्या ही गंदी। भाई देखो ऐसा है डायरेक्ट रश तो बेवकूफी वाली बात है, हर जगह से पड़ जाएगी, तो भैया अब जो है बंदों को मार कर ही जगह पर कब्जा करना पड़ेगा। ये वाली स्क्वाड को क्या ही निपटाया भैया। अब देखो बचे हैं जोन में तीन बंदे और ये सारे के सारे ना नीचे वाले कंपाउंड में है, तो तुम ये देखो ये चिकन हमारे हाथ में आएगा या फिर नहीं। मुझे लगता तो खैर नहीं है, बिकॉज वो जोन के अंदर है और हम पूरा ओपन जोन में। लेता पड़ा लेता पड़ा भाई साहब, ये बंदे ने क्या सुपरमैन वाली जंप लगाई, लेकिन कोई नहीं यार ऊपर वाला बंदा भी नॉक पड़ा है, तो मुझे यहाँ पे रिवाइव तो इजी पीसी मिल जाएगा। बट भैया अब इन बंदों की खैर नहीं, मतलब मिनी रेड जोन बनने वाला है इस घर में अब। कहाँ चुप के बैठे हैं ये, एक गया और अब दूसरा भी जाएगा ही। नेक्स्ट पर वही
और गाइस पहले हो चुका है अपने वैसा विनर विनर चिकन डिनर। अब गाइस यार देखो नई हैकर मिलते हैं ना तो भैया इसी तरीके से रश कर करके चिकन डिनर हम निकालते हैं। लेकिन भैया जिस गेम में हैकर मिल जाए उसमें हमारी भी हालत खराब हो जाती है और कभी कभी तो हैकरों को भी पिलप हो जाता है। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे ये गेम में चिकन मिल गया लेकिन जिसके लिए आए हो तुम यहाँ आओ फिर उस गेम को भी दिखाते हैं एग्जैक्टली उस जगह पे हुआ क्या, कैसे मरे हम, क्या सिनेरियो था, आओ देखते हैं। तो बेसिकली यार हम जा रहे थे जोन की तरफ बिकॉज जोन काफी छोटी हो गई थी और भैया बंदे अभी भी डिसेंट अलाइव थे तो हम बस जा रहे होते हैं जोन की तरफ और तभी हमें दिखी ये लेफ्ट में गाड़ी और साथ ही साथ राइट साइड में ये भसड़ भी मची पड़ी है। अब फिलहाल गाइस यहाँ पे एक तो मैं ही गाड़ी देखकर मेरा ना थोड़ा मन ललचा जाता है तो मैंने कहा चलो भैया बंदे से फाइट लेते हैं, हम एक काम करते हैं अंदर रश नहीं करेंगे, हम जो है जाकर ये बानोस में गाड़ी ठोक देंगे ठीक है और वहाँ पे ये लोग बंदे हम पे रश कर देंगे, जोश इन पे है गाड़ी पक्का घुसेंगे हम पे। तो भैया यहाँ आराम से होल्ड करते हैं और इंतजार करते हैं इनके रश करने का। लेकिन भाई तुम देखो यहाँ पे गलत ही सीन होने वाला है, मतलब बंदे तो रश करेंगे लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया कब। ये देखो मैंने मस्त गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी और मुझे सबको सुनाई दे रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और तभी दिखाई दिया स्क्रीन पे ये नोटिस। ये तो अकेला ही आ गया घुस गया साला भानो अकेला मार इसको मार मत भाई कहाँ से मारूं यार सर्वर ही उड़े पड़े हैं यार। और भाई साहब यहाँ पे राम नाम सत्य है और अब देखो भाई साहब ये जो मैडी यूजर सर बता रहा है ये बंदा असल में सही में हैकर ही है और अगर आपको यकीन नहीं है तो भैया आ जाओ भैया आपको जो है इसके टीममेट से मिलवाते हैं जो नंबर चाह रहे ना छोले ड्यूट पता नहीं क्या करके इसी से भैया। तो हाँ इसे मैंने गलती से रिक्वेस्ट भेज दी थी कसम से इंटेंशनली नहीं भेजी थी, गलती से क्लिक हो गया साइड में ये देखो तो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया और मैं सुबह सुबह देखता हूँ भैया ये बंदा मेरे पे कहाँ से आ गया, तो कल वही तक हैकर खिला था तो मैंने इसे इन्वाइट करा और सुनो सी कुछ बातें। हाँ 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 मैडी ना हाँ हाँ नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, अरे ऐसे क्या हुआ नहीं मैं बताता हूँ क्या होता है ना सामने और हैकर आते हैं तुम तो ये बैठ मतलब वो मारता नहीं है वो बस लोकेशन बताता है समझे। अच्छा हमें आके तो उसने पहला भाई ये क्या हरकतें कर रहा है कुछ भी। अच्छा तो अच्छा वो उसने वो तब मारता है जब टीम ज्यादा अच्छी होती है तो तुम्हारी टीम अच्छी होगी साले तू कंट्रोल। अबे कैसे कैसे एक्सक्यूज दे रहा है ये सही में यार, मतलब टीम अच्छी होगी तभी मारता है क्या है क्या है क्या भाई। तो सामने वाले जो हैक लगा के खेल रहे हैं वो कुछ नहीं। अबे सामने वाले कुएं में कूदेंगे तो तुम भी कूदोगे क्या, हद है यार तुम्हारी आईडी थी मैं ही बन जाऊंगी। मैं उनके साथ कम खेलता हूँ मैं उनके साथ कम खेलता हूँ, कल पहली बार मिला था। वाह पहली बार मिले थे और भैया छोड़ो यार क्या बोलूं, लेकिन भाई जो भी है यार इस बंदे की तुम आईडी देखो कितनी कॉस्टली है और सही में से डर ही नहीं है कि इसकी आईडी बैन वैन होगी नहीं होगी। हाँ खैर मैं तो कभी ना खेलूं हैकरों के साथ। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे अगर हैकर मेरे टीम में भी आता है ना तो मैं उसे भी पेल देता हूँ नेट और फेंक कर, बट खैर छोड़ो यार सबकी अपनी अपनी सोच है। बट तुम मुझे ये बताओ वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, मतलब मेरा ही नेट का इशू था या फिर सच में उसने कुछ हैक वैक करके कुछ कारिस्तानी करी थी। खैर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ लोकल फिर से। तो लव इस टाइम सेव एंड स्किप सपोर्ट।